राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। झारखंड प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन, रांची जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन एवं चाईबासा बस ऑनर्स एसोसिएशन का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सर्वश्री सच्चिदानंद सिंह, संजय कुमार पांडे, प्रदीप अग्रवाल, दीपक ओझा एवं हरेंद्र सिंह के प्रतिनिधित्व में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी से मोरहाबादी स्थित आवास पर मिला और कोरोना काल में अपरिचालित बिना परमिट वाले बसों का कोरोना काल में अपरिचालित अवधि कर माफ करने एवं परिवहन विभाग द्वारा मोटर वाहन के विभिन्न कोटि के शुल्कों में वृद्धि करने हेतु झारखंड मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली 2023 में जो प्रारूप प्रस्तावित किया गया है उसे वापस लेने हेतु ज्ञापन सौंपकर वार्ता की। श्री सच्चिदानंद सिंह जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष कहा, कोरोना काल में अपरिचालित बिना परमिट वाले बसों का आज तक कोरोना काल में अपरिचालित अवधि का कर माफ नहीं किया गया है, जबकि झारखंड मोटर गाड़ी अधिनियम एवं नियमावली 2001 के अनुसार बिना परमिट वाली बसें जो कोरोना काल में अपरिचालित थी पूर्ण रूप से कर माफी की हकदार है। कोरोना काल का मोटर वाहन कर माफी नहीं होने से बस मालिक बहुत परेशान है, इसलिए यथासंभव शीघ्रता के साथ कोरोना काल का कर माफ किया जाए, साथ ही साथ परिवहन विभाग द्वारा मोटर गाड़ी के विभिन्न कोटि के शुल्कों में वृद्धि करने का जो प्रारूप प्रस्तावित किया गया है उस प्रस्ताव पर झारखंड सरकार मंत्री परिषद द्वारा 2013 में ही विचार कर 3 गुना वृद्धि किया जा चुका है जो जरूरत से ज्यादा है, अभी वृद्धि करना उचित नहीं है, इसलिए उसे वापस लिया जाए और बिना मंत्री परिषद की मंजूरी के जो नया शुल्क अंतः स्थापित किया है उसे भी वापस लिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है कि आप लोगों के ज्ञापन पर उचित कार्रवाई की जाएगी, आप लोग भरोसा रखिए। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ, धन्यवाद।